हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं पॉलिटी सीरीज का एक नया वीडियो लेके हाजिर हो गया हूं आपके सामने। तो आज का टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ओके, तो इसका मतलब क्या है? विकास किसका? स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। ठीक है, मतलब प्रिंसली स्टेट कैसे भारत में आए। ओके, इंटीग्रेशन हुआ तो हम जानते हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिया क्या दो कैटेगरी में पॉलिटिकली यूनाइटेड थे। फर्स्ट ब्रिटिश प्रोविजन, मतलब जो ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे। आप राइट हैंड साइड में, आपके राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा कि एक मैप है जो प्री पार्टीशन मैप ऑफ इंडिया है, मतलब पार्टीशन के पहले का मैप है। ठीक है, उसमें आपको जो येलो कलर का जो पोर्शन दिख रहा होगा वो है ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, उसी प्रकार जो आपको पिंक कलर का एरिया दिख रहा होगा वो है प्रिंसली स्टेट। ओके, तो हम सभी जानते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान अलग हो गए थे। तो उस समय भारत के पास 549 प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन किया था इंडिया को। ठीक है, उस समय प्रिंसली स्टेट के पास तीन ऑप्शंस थे। एक फर्स्ट ऑप्शन कि वो पाकिस्तान के साथ चले जाए, सेकंड ऑप्शन कि वो इंडिया के साथ आ जाए, और थर्ड ऑप्शन कि वो इंडिपेंडेंट रहे। ओके, तो तीन ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिया के साथ नहीं आए, परंतु उनको बाद में इंडक्ट कर लिया गया। ठीक है, तब जाके इंडिया का टोटल बना 552 प्रिंसली स्टेट। तो वो जो तीन प्रिंसली स्टेट्स थे, आज हम उन्हीं की कहानी जानेंगे। फर्स्ट है हैदराबाद, सेकंड है जूनागढ़, थर्ड है कश्मीर। ठीक है, तो चलिए हम अब शुरू करते हैं फर्स्ट हैदराबाद से। तो हैदराबाद एक्चुअली क्या है कि हैदराबाद जो है वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही रईस, मतलब बहुत ही रिच प्रिंसली स्टेट था। ठीक है, सभी प्रिंसली स्टेट से वो बेसिकली डेक्कन प्लेटू के आसपास फैला हुआ था। और उसका जो रूलर था वो कौन थे? वो थे निज़ाम मिर उस्मान अली। ये इम्पॉर्टेंट नेम है, इसको याद रखना ज़रूरी है। परंतु यहाँ पे क्या एक प्रॉब्लम था, यहाँ प्रॉब्लम ये था कि जो रूलर थे वो थे मुस्लिम और जो पॉपुलेशन था वो था हिंदू। ठीक है, अब एक्चुअली हम सभी जानते हैं कि किस लिए भारत और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था, मतलब विभाजन हुआ था। ठीक है, उस हिसाब से तो उस्मान अली जो थे उन्होंने पहले क्या सोचा कि मैं तो भाई इंडिपेंडेंट ही रहूँगा, ना मैं पाकिस्तान के साथ जाना है मेरे को, ना मेरे को इंडिया के साथ आना है। तो वहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, परंतु लास्ट के समय जिन्ना के साथ उनका मतलब टाई अप हुआ, और वो फिर क्या हुए कि जो जिन्ना थे वो उनको सपोर्ट करने लगे, और इस तरह से क्या हुआ, हैदराबाद स्ट्रॉन्ग ग्रो करने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, उस समय कौन था, कांग्रेस गवर्नमेंट था। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि ये तो फिर एक थ्रेट होने लगा है। तो क्या हुआ, सितंबर 30, 1948 को इंडियन ट्रूप्स को भेजा गया कहाँ, हैदराबाद में। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेट मेंशन कर रखा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडियन ट्रूप्स वेयर सेंट टू हैदराबाद अंडर ऑपरेशन पोलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन पोलो, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, मतलब लड़ाई हुई। ठीक है, सीधा भाषा में कहूँ, कितने दिन तक हुई, 4 दिन तक हुई। ठीक है, 4 days। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि इंडियन आर्मी को वहाँ पे कंट्रोल मिल गया। ठीक है, और कंट्रोल मिलने का मतलब है कि उन्होंने उसको हैदराबाद को हर तरफ से घेर लिया, और फिर वहाँ पे जो निज़ाम थे तो उनको फिर सरेंडर करना पड़ा, और फिर हैदराबाद को क्या बना लिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है,
और क्या हुआ कि उस समय जैसे निज़ाम ने फिर वहाँ उस समय सरेंडर किया, तो उस हिसाब से उनको एक रिवॉर्ड भी दिया गया, उनको क्या गवर्नर ऑफ स्टेट भी बनाया गया बाद में हैदराबाद का, गवर्नर ऑफ स्टेट बनाया गया हैदराबाद का। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ कि हैदराबाद भारत के अंदर इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि भारत को कैसे, कौन से ऑपरेशन के तहत इंटीग्रेट किया गया, वो था ऑपरेशन पोलो। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड प्रिंसली स्टेट की तरफ, वो है जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ आप देख ही पा रहे होंगे, आपके जो राइट साइड में जो मैप है वो मैप आपको दिख रहा होगा, ये है जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ पे है, ये गुजरात के साउथ वेस्ट एंड में है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जूनागढ़ में भी सेम प्रॉब्लम था कि वहाँ पे जो नवाब थे वो थे, कौन थे, मोहम्मद महावत खंजी 3। ठीक है, और वहाँ का जो पॉपुलेशन था, मेन पॉपुलेशन था, वो था हिंदू। तो जो ये नवाब थे तो वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ भाई सी रूट हम लिंक रखें। ठीक है, पर ये तो पॉसिबल था नहीं, तो क्या हुआ कि जो इंडियन गवर्नमेंट उस समय थे, तो उन्होंने क्या किया, जूनागढ़ में क्या किया, रेफरेंडम करवाया। ठीक है, रेफरेंडम करवाया, इंडिया इंडिया के तरफ ज़्यादा वोट मिला, तो ये क्या हुआ, इंडिया का पार्ट बन गया। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हुआ, जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बना। तो आपको दोनों समझ में आया, हैदराबाद और जूनागढ़। मैं लास्ट में इसको एक जीस्ट भी बता दूंगा आपको, उसको लेके चिंता करने की बात नहीं है। अब है कश्मीर, थर्ड स्टेट। कश्मीर में क्या था, उल्टा केस था, यहाँ पे जो रूलर थे वो थे हिंदू और जो पॉपुलेशन था वो था मुस्लिम। ठीक है, परंतु यहाँ पे यहाँ के जो रूलर थे, रूलर कौन थे, रूलर ऑफ कश्मीर महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह ने क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, मैं ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहता हूँ, मैं ना इंडिया के साथ जाना चाहता हूँ, मैं तो रहूँगा इंडिपेंडेंट। ठीक है, परंतु ये चीज़ ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाया क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया, वहाँ पे इन्वेड कर दिया कश्मीर में। ठीक है, नॉर्थ की तरफ से इन्वेड कर दिया। ठीक है, पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स और कुछ ट्राइबल मेंस थे, हाँ वो वेपन्स के साथ थे, तो उन्होंने एंटर कर दिया। ठीक है, और वो कब किया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 24th अक्टूबर, 24th अक्टूबर 1947, एकदम सुबह सुबह उन्होंने मतलब अटैक कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि महाराजा जो थे, महाराजा हरि सिंह जो थे, वो तो भाई वो तो फिर बोलने लगे कि इंडिया को अपील किए कि भाई हमको हेल्प कर दो। ठीक है, उन्होंने फिर शेख अब्दुल्ला को भी भेजा दिल्ली में कि भाई आप वहाँ से हेल्प लेके आओ। ठीक है, पर क्या हुआ कि 26 अक्टूबर 1947 में क्या हुआ, हरि सिंह इतने घबरा गए तो वो श्रीनगर से जब जम्मू आ गए, और उस समय जो नेहरू जी थे तो उन्होंने कहा कहा कि आपको साइन करना होगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में, ठीक है, तब हम आपका हेल्प करेंगे। तो अब महाराजा हरि सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने साइन कर दिया। अब साइन करते ही क्या हुआ कि फिर नेहरू जी जो थे, तो उन्होंने फिर इंडियन ट्रुप्स को भेजा। भेजने के बाद वहाँ पे आपका पाकिस्तान आर्मी को रोक लिया। ठीक है, इस प्रकार कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया। पर उस जो एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट में एक क्लॉज था कि वहाँ पे जो एक्सटर्नल अफेयर्स थे, कम्युनिकेशन था और जो डिफेंस था, वो ही सिर्फ इंडिया कश्मीर का देखेगा, बाकी जो इंटरनल मैटर्स है उसमें जो इंडिया है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो कौन से आर्टिकल में लिखा गया था वो आपको पता है, ठीक है, वो रिसेंटली वो आर्टिकल मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप वो कमेंट सेक्शन में आप बताओ कौन सा आर्टिकल था। ठीक है, जो आर्टिकल रिसेंटली एबोलिश भी कर दिया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो इस हिसाब से कश्मीर इंडिया का पार्ट बना। आपको यहाँ पे एक मैप दिख रहा होगा, ये एक्चुअली अभी जो करंट सिनेरियो है सॉरी मतलब कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का, वो इस प्रकार से है कि आपको यहाँ पे जो डॉटेड लाइन दिख रहा होगा, ये डॉटेड लाइन दिख रहा होगा, ये एक्चुअली ये जो लाइन है, ये लाइन है आपका लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, और एक्चुअली ये जो पूरा है, ये पूरा है आपका जम्मू एंड कश्मीर, पर ये जो एरिया है, ये एरिया जो है गिलगिट जो दिख रहा होगा आपको, हाँ
हाँ बाल्टिस्तान जो दिख रहा होगा, आजाद कश्मीर दिख रहा होगा, ये सब अभी क्या है, ये अभी एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, ये पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में है। और ये जो आपको दिख रहा होगा येलो कलर का, डीप येलो कलर का, श्रीनगर, कश्मीर, लद्दाख, हाँ ये जो है ये एरिया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है। पर ये जो आपको एकदम राइट हैंड साइड में ऊपर में जो दिख रहा होगा, ये अक्साई चीन जो है, ये क्या है, ये चाइना एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में है। तो इस सब में मत जाओ, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसके लिए मैं कश्मीर के ऊपर मैं अलग से सेपरेट वीडियो में लेके आऊँगा, जिसमें हम कश्मीर के बारे में ही बात करेंगे कि कश्मीर का ये मतलब जो एरिया, ये कैसे बना, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि हम पहले जैसा कश्मीर अब हम पा सकते हैं। तो इन सभी को लेके हम एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। तो आपको मैं एक छोटा सा जीज दे देता हूँ, इस जो भी अभी तक हम पढ़े हैं, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा ये 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट क्या है, हैदराबाद को कैसे किया गया आर्म्ड एक्शन के तहत, इसको इंटीग्रेट किया गया इंडिया में। उसी प्रकार जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ को कैसे किया गया रेफरेंडम के थ्रू में। रेफरेंडम क्या है, रेफरेंडम है पब्लिक वोटिंग, सीधा सीधा बात अगर मैं आपको कहूँ, ठीक है। कश्मीर को कैसे किया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत, ठीक है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट प्रोसेस के तहत ये 3 जो स्टेट है, ये स्टेट इंडिया में इंडक्ट किए गए, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, और कुछ डाउट होगा तो वो आप कमेंट में लिखो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओह प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो to get all the notifications.